सो अभी यार अक्टूबर के आसपास मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एंड अक्टूबर में आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, इसके जो नेक्स्ट 60 डेज होंगे वो एक्चुअल में आपका डिसाइड कर रहे होंगे कि आपको अपने ICSE 10th बोर्ड एग्जाम्स में कितना परसेंटेज आ रहा होगा। नेक्स्ट 60 डेज क्यों मैं बोल रहा हूँ और इन 60 डेज को कैसे आपको यूटिलाइज करना है कि भैया हमने जो यार सपना देखा था, हमने जो स्टार्टिंग में 10th के सोचा था कि 90+95% हमें स्कोर करना है, वो हम कैसे कर रहे होंगे और कौन से मिस्टेक्स आपको अवॉइड करने होंगे कि इस परसेंटेज से जो आपको दूर खींच रहे हैं उन मिस्टेक्स को कैसे हमें अवॉइड करना है, हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में डिटेल में यार बात करेंगे। और कुछ बेस्ट बेस्ट मटेरियल्स आपके लिए जो होंगे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, वो भी मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलो वीडियो यार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि यार 60 डेज एक्चुअल में एनफ है, कि भैया हमने जो सोचा था 90% स्कोर करने का, एक्चुअल में 60 डेज में पॉसिबल है या नहीं। तो देखो इसके यार दोनों आंसर्स हैं, ठीक है, एक्चुअल में पॉसिबल ये है भी और नहीं भी है। किस किस केस में भैया पॉसिबल है कि अगर आप अभी से पढ़ने बैठ जाओ, स्ट्रैटेजी वीडियोस के पीछे मत भागो, ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे मत भागो, तो 60 डेज यार पॉसिबल है। बेसिकली तुम्हें एक्शन लेना होगा यार, ठीक है, अगर एक्शन लेते हो तो 60 डेज में आराम से तुम अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, जीरो से भी अगर स्टार्ट करते हो और एक अच्छा स्कोर ला रहे होगे। एंड नहीं यार तो तुम्हें 60 या 90 दिन भी दे दूँ तो एक अच्छा प्रॉपर अप्रोच नहीं है तुम्हारा, तुम एक्शन ले ही नहीं रहे हो, बस यार डिले किए जा रहे हो, प्रोक्रास्टिनेट किए जा रहे हो। तो उस केस में देखो क्या होगा, तुम्हारे दिसंबर में प्री बोर्ड एग्जाम्स आ जाएंगे, तुम प्री बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर साल की यही कहानी होती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की। इसमें ही जो थोड़ा एक्शन लेता है ना, जो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता है वो अच्छा स्कोर कर लेता है, नहीं तो बाकी सब इसी भीड़ में जा रहे होते हैं। सो अब वो तुम्हें डिसाइड करना है यार कि तुम्हें उस भीड़ में जाना है या थोड़ा हमें यार अच्छा करना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, वो एक्चुअल में तुम्हारा मन है, ठीक है। सो यही होगा, प्री बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे फिर मार्क्स नहीं आएंगे, फिर दिसंबर में तुम इधर उधर वीडियो खोजते रहोगे कि भैया अब 1 महीने में कैसे सिलेबस कंप्लीट करूँ, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, एंड इवेंचुअली कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते जा रहे होगे कि भैया अब बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, एंड एंड अप वही करोगे यार 70-80%। मैं खराब नहीं बोल रहा 70-80%, बट यार एक जो लाइफ में अचीवमेंट होता है ना कि तुम्हें एक थोड़ा सा लाइफ में कभी मुड़ के देखोगे कि उस टाइम पे अगर कर लिया था हमने 90%, तो लाइफ में उस पॉइंट पे कोई जो प्रॉब्लम होगा ना वो प्रॉब्लम बड़ा नहीं लगेगा। सो इस चीज़ को तुम्हें हमें टारगेट करना है कि 90% 95% हम इस वजह से टारगेट करते हैं क्योंकि वो एक एज अ अचीवमेंट रहता है, तो हमें वो चीज़ देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात है यार एक्शन लो एंड किस तरीके से करना है। मेन जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी वीडियोस के पीछे मत भागो, मैं स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाता हूँ या कोई भी यूट्यूबर आपको कोई भी चैनल अगर स्ट्रैटेजी वीडियोस बना रहा है, मैं फ्रेंकली बोलूँगा यार सबको व्यूज़ चाहिए, मुझे भी व्यूज़ चाहिए, उन्हें भी व्यूज़ चाहिए, उन्हें अपना चैनल चलाना है, बेसिक सी ये बात है। बट एट द एंड ऑफ द डे देखो क्या होगा, पैनिक तुम कर रहे होगे, मैं नहीं कर रहा हूँगा, पेपर तुम्हारे खराब जाएंगे, मेरे नहीं जाएंगे भाई, डिमोटिवेट तुम होगे, मुझे कुछ नहीं होने वाला। सो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें एक्चुअल में स्ट्रैटेजी वीडियोस के पीछे सर भागते रहना है, रिसोर्सेज के पीछे भागते रहना है, कि एक्चुअल में एक्शन लेना है कुछ, ठीक है। सो हमें सबसे पहले एक्शन लेना है, एक कोई पर्टिकुलर रिसोर्स उठाओ, मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ या कोई भी XYZ बुक है उसे उठाओ, उसे पढ़ना स्टार्ट करो। मेन तो यही है, स्ट्रैटेजी क्या होता है, तुम पढ़ना स्टार्ट करो, टाइम मैनेजमेंट की बात तुम फिर करने लगते हो, फिर डाउट्स पूछने लगते हो, तुमको सबसे पहले स्टार्ट तो करना है, तुम स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो देखो अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए, अक्टूबर से फेब का यहाँ पे बात है, 60 डेज ही क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखो अक्टूबर नवंबर में तुम जानते हो बहुत सारे तुम्हारे फेस्टिवल्स हैं, तो उन डेज को तो तुम नहीं पढ़ पाओगे, एंड मैं पढ़ने बोलूँगा भी नहीं यार, 10th एज सच कोई वैसा नहीं है कि तुम उसके लिए अपने फेस्टिवल्स को छोड़ो, फेस्टिवल्स भी इंजॉय करो, बट थोड़ा थोड़ा उसमें हमें पढ़ना होगा, ठीक है। सो अक्टूबर नवंबर में हमें क्या करना है, हमारा जो प्राइमरी फोकस है ना यहाँ पे, हमें जो बचा हुआ सिलेबस है यार, इन अगर तुम स्टार्ट भी कर रहे हो तो हमें सिलेबस को यहाँ पे कंप्लीट करना है, हमारा मेन गोल यहाँ पे क्या होना चाहिए कि हमें भैया सिलेबस को कंप्लीट करना है, ठीक है। एंड देन दिसंबर में क्या होता है, दिसंबर में इन केस थोड़ा एक्सटेंड हो गया, थोड़ा हो ही जाता है, ये एक्सटेंड हो गया तो इसे यहाँ पे कंप्लीट कर रहे होंगे, साथ में साथ रिवीजन कर रहे होंगे क्योंकि बहुत स्कूल्स में दिसंबर में यहाँ पे प्री बोर्ड एग्जाम्स हो रहे होंगे, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। देन जनवरी में हमें क्या करना है, जनवरी में हमें
सिलेबस तो कंप्लीट करना ही नहीं है, ये सोचना मत कि जनवरी में सिलेबस चला जाए। जनवरी में हम पूरा बैठ के सैम्पल पेपर्स सॉल्व करेंगे, जितने सैम्पल पेपर्स सॉल्व करेंगे उतना टाइम मैनेजमेंट हमें बेटर आएगा, एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन हो पाएगा एंड तुम एग्ज़ाम का जो पैटर्न है ना उससे यूज टू हो जाओगे। तो हमें सैम्पल पेपर्स बहुत अच्छे से वहाँ पर सॉल्व करने होंगे, और मिड फेब से तो यार तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम्स स्टार्ट ही हो जाते हैं हर साल, तो ये पूरा मंथ वाइज तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। एंड मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना स्टार्ट कर दो। एक लिस्ट बनाना यार, कितने चैप्टर्स तुम्हारे हो गए हैं, ठीक है, एंड कितने रह गए, वो लिस्ट बनाओ एक प्रॉपर। तुम्हारे सामने वो रहेगा, तुम्हें खुद रियलाइज़ होगा। इस चीज़ को हेल्प करने के लिए एक मैंने सिलेबस ट्रैकर बनाया था यार, वो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसे डाउनलोड करना, प्रिंट करवा लेना, और यहाँ पे देखो तुम्हें पता चलेगा कि सिलेबस ट्रैकर एक्चुअल में ये है क्या, ठीक है। प्रॉपर आपके आईसीएसई 10th एग्जाम्स के लिए कुछ हमने पैरामीटर्स को ध्यान में रखा है कि अगर कोई स्टूडेंट को अच्छा स्कोर करना है, अच्छा सा मेरा मतलब है 90+ स्कोर करना है, तो हमें किसी चैप्टर के कौन कौन से पैरामीटर्स को ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले किसी भी चैप्टर का तुम लेक्चर देख रहे हो यहाँ पर टिक कर देना, देन उसके वन पेज नोट्स बनाओ, वहीं के वहीं वन पेज, एक एक से दो पेज में उस चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट है ना, पूरा चैप्टर जब पढ़ लोगे तुम तो जो जो इंपॉर्टेंट तुम्हें लग रहा है ना या जिसमें तुम्हें थोड़ा डाउट आ रहा है उसे तुम्हें इंक्लूड करना है वन पेज नोट्स में। बेसिक्स ये बात है, हमें भर भर के बड़े बड़े नोट्स अभी नहीं निकले हैं, हमें वन पेज नोट्स बनाना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में बहुत कम टाइम रहता है बीच में गैप्स में, तो तुम्हें वन पेज नोट्स ही हेल्प कर रहे होंगे वहाँ पर, ठीक है। देन हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ 5 to 10 years के इनफ होते हैं। कोई बोल रहा है कि भाई पिछले तुम बहुत सारे साल के सॉल्व कर लो, तो उतना की ज़रूरत नहीं है। हमें देखो एक सब्जेक्ट या एक चैप्टर ही नहीं है, यहाँ 10 सब्जेक्ट हैं और उसमें भी मल्टीपल चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर के पीछे हमें नहीं लगे पड़ा रहना है कि इससे ही परफेक्ट किए जा रहे हैं, क्वेश्चन पर क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, वो चीज़ हमें नहीं करनी है यहाँ पर, ठीक है। इतना चीज़ काफ़ी होता है कि कोई भी वीडियो का लेक्चर देख लिया, वन पेज नोट्स बना ली, एक सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा ली, वो काफ़ी है, मोर देन इनफ है, ठीक है। देन इसके बाद रिवीजन करना है, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रेगुलर रिवीजन्स आप करो। देन उस पर एक टेस्ट दे दो, टेस्ट आपका किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, एक सेट ऑफ क्वेश्चन है आपके पास वो टेस्ट दे दो, नहीं तो टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हमारे प्लेटफॉर्म पर जो है वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड हमारे प्लेटफॉर्म में ना हर एक चैप्टर के तुम्हें 30 क्वेश्चन मिलते हैं टेस्ट सीरीज़ में, तो अगर यहाँ 30 में से ना तुम अगर 26 से ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हो देन समझ लेना कि तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है, नहीं तो उसे री अटेम्प्ट करो और पढ़ाई करके फिर से उसे अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं यार, तो बेसिकली हमें इस तरीके से अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना है कि हाँ एक, क्योंकि तुम अगर ऑर्गेनाइज्ड होगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे कितने चैप्टर्स हो गए, कितने बाकी है, नहीं तो ऐसे कन्फ्यूजन में ही रहते रहोगे कि भैया अब कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करूँ, 10 दिन में इतने चैप्टर्स कैसे करूँ। एक प्रॉपर, क्योंकि तुम्हारे पास ट्रैक नहीं है, एक प्रॉपर ट्रैक होने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है। ये सिलेबस ट्रैकर लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट, मैंने पहले ही बोला कि बहुत सारे रिसोर्सेज के पीछे मत भागो या स्ट्रैटेजी वीडियोज़ के पीछे बहुत ज़्यादा मत भागो, लिमिटेड रिसोर्सेज रखो लेकिन बेस्ट रखना उसमें ही। मैं ये नहीं बोला कि लिमिटेड में कुछ भी रख लो, लिमिटेड रिसोर्सेज यूज़ करो लेकिन बेस्ट रखो। पहले जो तुम्हारा फर्स्ट रिसोर्स होता है ना वो टेक्स्ट बुक ही होता है। तुमने टेक्स्ट बुक अभी रीड ही नहीं की है, तुमने कुछ किया ही नहीं है, डायरेक्ट तुम क्वेश्चन बैंक पे जंप करो, तुम ये वाले प्रीवियस ईयर पे जंप करो, ये क्वेश्चन पे जंप करो, भाई मेन तो तुम्हारा टेक्स्ट बुक है, पहले वो तो करो, टेक्स्ट बुक में चैप्टर्स रीड कर लो फिर तो कुछ करोगे। मैं ये भी बोलता हूँ, हमारे भी जो ई बुक्स होते हैं ना डायरेक्ट मत उठा लो यार, पहले टेक्स्ट बुक तुम्हारा मेन चीज़ होता है, टेक्स्ट बुक पहले पढ़ो अच्छे से, देन ही उसके बाद टाइम बचता है, देन ई बुक्स के पीछे जाओ, ठीक है। सो यही था बेसिकली वीडियो के लिए, एंड आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमें क्या चीज़ करना है। बहुत शॉर्ट वीडियो ये रखा है क्योंकि आपको एक मैसेज मुझे कन्वे करना था कि देखो यार टाइम कम बच रहा है, अब हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जैसा मैंने सिनेरियो बताया कि ये अक्टूबर नवंबर कैसे आपका बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, फिर आप लास्ट 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी देखते रहना, एंड वो बेसिकली आपका चॉइस है। एंड आपको किस भीड़ में, आपको भीड़ में रहना है या थोड़ा अलग करना है तो वो आपको डिसाइड करना है। अपने पेरेंट्स को थोड़ा प्राउड फील कराओ यार, एक तरफ एक बार उनकी तरफ देखना, उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ आपको नहीं मिलेगा कि हाँ तुम्हारे पापा जो रोज़ रोज़ मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, उसे देखना एंड देन पढ़ने बैठना यार, ठीक है। एंड जो बेस्ट ई बुक्स हो सकते हैं, कुछ बेस्ट ई बुक्स मैं जैसे आपको यहीं पर दिखा देता हूँ कि
हमारे जो ई बुक्स यार, एक तो बहुत हमने कॉस्ट इफेक्टिव रखा है, 99 रुपीज़ में यहाँ पे तुम्हें 3 ई बुक्स मिलते हैं, मतलब 33 रुपीज़ के आसपास एक ई बुक मिलेगा, किसी भी सब्जेक्ट का उठा लो। मैं किसी भी स्टूडेंट को बोलता हूँ कुछ ना करो, एटलीस्ट इंग्लिश लिटरेचर के यहाँ से ई बुक ले लेना, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, उसमें एमसीक्यूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट में यहाँ पे 3 ई बुक्स रहते हैं। पहला तुम्हारा हो गया स्मार्ट नोट्स का, पूरे सब्जेक्ट को हमने 50 पेज में कंप्लीट कर दिया है, जो कि मेन मेन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हर एक चैप्टर से उसे हमने इंक्लूड किया है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बैंक, चैप्टर वाइज तुम्हें सब्जेक्टिव और एमसीक्यू दोनों मिलेंगे विद देयर प्रॉपर सोल्यूशन। जैसे इंग्लिश लिटरेचर में हमें कीवर्ड चाहिए होते हैं, तो सोल्यूशंस में प्रॉपर कीवर्ड्स के साथ तुम्हें आंसर्स वहाँ को देखने को मिलेंगे। एंड नेक्स्ट जो ई बुक है वो माइंड मैप कर रहा था। माइंड मैप बेसिकली रिविजन के लिए, विजुअल लर्निंग के लिए बहुत अच्छी टूल रहता है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको, पूरा लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बेस्ट मटेरियल, बहुत सारे फ्री मटेरियल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वन पेज नोट्स, हर एक चीज़ का लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसे जाके देख लेना। एंड इस वीडियो के लिए यही था, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।